crazy things can come true. He'd say like, I didn't really think this would work. SpaceX के boosters को land करते देखना काफी exciting event होता है. और स्टारलिंक की मदद से SpaceX पहले से भी ज्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करने में सक्सेसफुल हो सका है. इवन अपने बूस्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए SpaceX एवरी सिंगल मंथ मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च कर रहा है, जिसमें फैल्कन 9 एक कॉमन रॉकेट है. बट रॉकेट के बूस्टर्स को फिर से इस्तेमाल के लिए रेडी करना SpaceX के लिए अभी भी काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो SpaceX को अपने रॉकेट लॉन्च में इलॉन मस्क के एम को पूरा करने से रोक रहा है. 2020 में SpaceX ने किसी रॉकेट को फिर से लॉन्च के लिए रेडी करने का फास्टेस्ट टर्न अराउंड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने शटल को 51 डेज में और बूस्टर को 48 डेज के अंदर फिर से लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया. बट फिर भी ये टाइम ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो ह्यूमंस को मंगल ग्रह पर सिविलाइजेशन के लिए भेजना चाहता है. इवन इलॉन मस्क ने काफ़ी टाइम पहले एक एम बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग उनकी कंपनी SpaceX 2020 में ओनली 24 आवर्स के अंदर किसी भी रॉकेट बूस्टर को फिर से लॉन्च के लिए रेडी करने वाली थी. बट अभी भी ये एम पूरा होने में काफ़ी टाइम ले रहा है. बट इस डिले का क्या रीज़न है जो इस तरह के स्पेस अचीवमेंट के बाद भी न्यू स्पेस मिशन को कंडक्ट करने में इतना टाइम लेता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये बूस्टर्स एक बार यूज होने के बाद अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं. स्टार्टिंग होती है बूस्टर्स को रिफर्बिश करने से, और इससे पहले कि बूस्टर पर किसी तरह का रिपेयरिंग वर्क किया जाए, सबसे पहले पिछले रॉकेट लॉन्च के बचे हुए फ्यूल को रॉकेट से ड्रेन किया जाता है या फिर जलाया जाता है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि SpaceX ने इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड से छिपा रखी है, इसलिए हम इस वीडियो के लिए इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की हेल्प से इस रिफर्बिश प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. SpaceX के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हैंस रिवील करते हैं कि बूस्टर को फिर से यूज करने के लिए बनाने में बूस्टर के इंजन पर भी काम किया जाता है. हालांकि SpaceX द्वारा बूस्टर पूरी तरह से रियूजेबल होते हैं, बट SpaceX एवरी लॉन्च के बाद अपने बूस्टर के कुछ पार्ट्स को जरूर चेंज करता है, जैसे कि टर्बाइन व्हील्स, जिसे फिर से यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट SpaceX कुछ पार्ट्स को चेंज करके अपने लॉन्च को सक्सेसफुल करने में कोई भी एक्सक्यूज नहीं छोड़ता, जो फ्लाइट के समय किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. इस तरह SpaceX अपने रॉकेट लॉन्च के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस को जितना कम हो सके उतना कम कर देता है. बूस्टर्स के पार्ट्स को चेंज करने के बाद SpaceX फैसिलिटी में रॉकेट इंजन में मौजूद सभी 9 मर्लिन टर्बाइन्स को भी क्लीन किया जाता है. एंड इलॉन मस्क कहते हैं कि ये क्लीनिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. रॉकेट इंजन के बाद SpaceX बूस्टर्स की रिपेयरिंग पर काम करना शुरू करता है, जिसमें किसी लॉन्च के बाद माइनर डैमेजेस काफ़ी कॉमन हैं, जैसे कि हीट शील्ड एंड एरो कवर, जो रॉकेट बूस्टर्स अर्थ के हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण होता है. SpaceX के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस तरह के छोटे डैमेजेस होना नॉर्मल है. इस तरह के डैमेजेस को फिर से रिपेयर करना बूस्टर्स को फिर से रियूजेबल बनाने में टाइम जरूर लेता है. डैमेजेस को रिपेयर करने के बाद SpaceX बूस्टर्स के फ्यूल टैंक को इंस्पेक्ट करता है, जिसमें कभी कभी उन्हें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से होने वाले डैमेजेस भी मिलते हैं. एंड इस तरह की इंस्पेक्शन को करने में टोटल 30 डेज का समय लगता है. और सभी तरह के इंस्पेक्शन, रिपेयरिंग वर्क एंड पार्ट्स को चेंज करने के बाद बारी आती है टेस्टिंग स्टेज की, जिसमें SpaceX बूस्टर्स में लॉन्च के टाइम होने वाले सभी तरह के फायर टेस्ट करता है, जैसे कि स्टैक फायर टेस्ट. बट SpaceX चाहे तो इन सभी टेस्ट में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए इस तरह के टेस्ट और इंस्पेक्शन को अवॉइड भी कर सकता है, जिसके बाद भी SpaceX के रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल जरूर रहेंगे. बट इलॉन मस्क का बिलीव करना है इट्स बेटर सेफ देन सॉरी. सो अभी तक हमें आइडिया मिल गया है कि बूस्टर्स के रिफर्बिशमेंट और बूस्टर्स को लॉन्च के लिए रेडी करने में काफ़ी हफ्तों का टाइम लगता है, इसलिए इस जगह SpaceX के बूस्टर्स को रियूजेबल बनाने के लिए मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ता है. फॉर्चुनेटली अभी तक के रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट केवल प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, एंड जैसे जैसे फैल्कन 9 मोर रिलायबल बनता जाएगा, इन सभी इंस्पेक्शन, टेस्ट, रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट के टाइम को कट कर दिया जाएगा. बट SpaceX का टाइम ओनली रिफर्बिशमेंट प्रोसेस में ही स्पेंड नहीं होता. किसी बूस्टर को फिर से यूज करने के लिए बनाने में आने वाला एक मेजर चैलेंज है बूस्टर के दूसरे पार्ट्स को कम से कम टाइम में लॉन्च के लिए रेडी करना. आफ्टर ऑल ओनली बूस्टर्स को फिर से रेडी करके लॉन्च करने का कोई पर्पस नहीं है. SpaceX ने अपने रॉकेट के जितने पार्ट्स रियूजेबल बनाए जा सकते थे उतने पार्ट्स को रियूजेबल बनाया है, इंक्लूडिंग फायरिंग्स. बट अभी भी रॉकेट्स के कुछ पार्ट्स जैसे कि सेकेंड स्टेज को रियूजेबल नहीं बनाया जा सका है. इवन शुरुआत में SpaceX अपने बूस्टर्स की तरह ही रॉकेट के सेकेंड स्टेज को भी अर्थ पर वापस लैंड करने के लिए डिजाइन कर रहा था, बट ऐसा करने में SpaceX को वेरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि सेकेंड स्टेज की ट्रैवलिंग स्पीड एंड मोर इम्पोर्टेंटली हीट शील्ड का वेट एंड लैंडिंग गियर, जो रॉकेट फ्लाइट को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं. और साथ ही रॉकेट में भेजे जाने वाले सामान यानी कि पेलोड की कैपेसिटी को डिक्रीज करना.
इस तरह के चैलेंज को स्पेसएक्स ने अभी के लिए इग्नोर कर दिया है। एंड स्पेसएक्स ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला है कि वो रॉकेट के पेलोड की कैपेसिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, बल्कि रॉकेट के सेकंड स्टेज को एवरी न्यू रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्ड करेंगे, जो अगेन इकोनॉमिकली काफ़ी सेंस तो क्रिएट करता है, बट न्यू सेकंड स्टेज को शुरुआत से बिल्ड करने का टाइम स्पेसएक्स बूस्टर्स को ओवरऑल काफ़ी डिले कर देता है। इवन यदि स्पेसएक्स एवरी 24 आवर्स नए बूस्टर्स को बना भी लेता है, तो भी स्पेसएक्स के लिए 24 आवर्स में एक न्यू सेकंड स्टेज बिल्ड करना और भी डिफिकल्ट है। एंड इस तरह एवरी डे स्पेसएक्स को स्पेस में सेंड करने के लिए पेलोड की ज़रूरत भी होगी, जिसे वो ऐसे टाइट स्केड्यूल पर लॉन्च कर सकें। इवन राइट नाउ अभी इतने स्पेस मिशंस भी नहीं हो रहे जो स्पेसएक्स को एवरी 24 आवर्स इन सभी चीज़ों को रेडी करने का प्रेशर क्रिएट करे। सो बूस्टर्स की रिफर्बिशमेंट में एक्चुअली हफ्तों का टाइम लगने के बाद भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस डिले को और भी लंबा कर देते हैं, विच इज़ रॉकेट में सभी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। एनीवेज, टेक्निकल चैलेंजेस से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। वीडियो में रॉकेट बूस्टर्स काफ़ी स्मॉल दिखते हैं, जिन्हें हैंडल करना काफ़ी ईजी लगता है, बट एक्चुअली में एक फैल्कन 9 बूस्टर 50 मीटर्स यानी कि 11 फोर्स वाली बिल्डिंग तक लंबा होता है, जो इस तरह के बूस्टर्स को लॉन्च साइट तक ट्रांसपोर्ट करना भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एक्चुअली में स्पेसएक्स के बूस्टर्स लॉन्च साइट से 680 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में लैंड करते हैं, जहाँ से इसे लैंडिंग साइट पर वापस लाने में एक हफ्ते का टाइम लगता है। एंड क्रू ड्रैगन मिशन की लॉन्च की तरह ही यदि रॉकेट में यूज हुए सभी बूस्टर्स को ओशन में लैंड करा दिया जाए, तो नेक्स्ट मिशन में यूज करने के लिए बूस्टर्स को 24 आवर्स में रेडी करना काफी बड़ा चैलेंज है, जिसमें पॉसिबल होने के चांसेस काफी लो हैं। एनीवेज, बूस्टर्स के अटलांटिक ओशन में लैंड करने के बाद मिशन में यूज हुए बूस्टर्स को एक 44 व्हील के ट्रेलर की हेल्प से रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी ले जाया जाता है, बट स्पेसएक्स को इन सभी चैलेंजेस को तब फेस नहीं करना पड़ता जब वो मिशन में न्यू बूस्टर्स को यूज करते हैं। सो ये थे वो बड़े चैलेंजेस जो स्पेसएक्स को अपने बूस्टर्स फिर से मिशन में जल्द से जल्द यूज करने के लिए डिले करते हैं। आपका क्या कहना है, बूस्टर्स को बिना चेक करे फिर से यूज करना सही स्टेप हो सकता है ताकि न्यू स्पेस मिशंस को जल्द से जल्द कंडक्ट किया जा सके? यदि नासा, इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसीज भी स्पेसएक्स की तरह ही स्पीड में काम करे, तो काफी जल्द मार्स सिविलाइजेशन जैसे बड़े ड्रीम्स और वेरियस स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकेंगे। बट पूरे वर्ल्ड में स्पेसएक्स को स्पेसएक्स बनाने वाला व्यक्ति एक ही है। सो लेट्स सी स्पेसएक्स का फ्यूचर और कौन से स्पेस अचीवमेंट्स को अचीव करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।